नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। एक बार फिर आदिवासी जमीन की लूट को लेकर, आदिवासियों को न्याय दिलाने को लेकर, एक बार फिर प्रेम साई मुंडा आदिवासी जन परिषद के जो अध्यक्ष हैं, वो अनुसूचित जनजाति थाना पहुँचे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन के लिए मुख्यमंत्री को आदिवासियों की जमीन बचाने को लेकर एक स्पेशल टास्क फोर्स करने की जरूरत है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। पीड़ित के साथ अनुसूचित जाति जनजाति थाना आए हुए हैं। ये मामला बुंडू का है और बाईपास जो उसका एनएच है, जो रांची से टाटा होकर जाती है, उसमें आदिवासी ज़मीन है। और ये ज़मीन पर जो है हमारे पीड़ित भी हैं, यहाँ पर गोबरा उराम इनका नाम है। इनको पप्पू यादव को, जिसका खाता नंबर है 53 प्लॉट नंबर 340, लगभग 2 एकड़ 8 डिसमिल है, इसको इन्होंने 10 साल पहले दिया था लीज पर। लीज समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद भी 4 साल से उसको जो है खाली नहीं कर रहा है। जब भी जाते हैं इनको आदिवासी सूचक गाली दे करके इनको भगा दिया जाता है। तंग होकर के ये आए हैं, हम लोग भी पकड़े थे कि चलिए हमको न्याय दिलाइए। इन्हीं को लेकर के आज हम थाना पर आए हैं और अभी जाके हम लोग इसको FIR दर्ज करेंगे। इस भू माफिया पे आप क्या कहिएगा, जिस तरह आदिवासी धीरे धीरे जमीन लूटी जा रही है इस पर? देखिए, भू माफिया पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आदिवासी भोले भाले समाज होते हैं, इनको एक्ट और कानून की जानकारी नहीं होती है। उनके पास जाइएगा तो दे देते हैं आनंद फानंद में, चलो भाई दे दिए। लेकिन इससे सीधेपन का जो है, पूरे जो है माफिया तत्व हो, चाहे अफसर हो, चाहे नौकरशाह हो, सभी इसको एक इस्तेमाल करते हैं, लोगों को भोले भाले चीज़ों को जो है इसको फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए हम लोग एक इनको गाली दी गई है और ज़मीन को खाली करने के लिए आज आवेदन देंगे हम लोग, है ना, कि इनकी न्याय मिले। इसी को लेकर के कोबरा उराव के पक्ष में हम लोग आए हैं। भी आप लोग ये थाना में आए हैं, यहाँ से कुछ सहयोग मिल रहा है आप लोगों? इससे पहले हम लोग, हम समझते हैं कि 3-4 मुद्दे को लेकर के आए हैं। एक नगरा टोली वाला आए हैं, एक सतरंजी में ज़मीन आप भी गई थी, तो ये केस करके इनको आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें केस करने के बाद जाँच होती है, DSP स्तर का जो है ऑफिसर इनको जांच करते हैं। जांच करने के बाद उनको कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि सिस्टम तो यही है। कल CO के पास जाएंगे, थाना के पास जाएंगे, SP के पास जाएंगे, DC के पास जाएंगे, और हम लोग प्योर जो है रूल ऑफ लॉ के चलने वाले व्यक्ति हैं। आदिवासी समाज जो है कानून का सम्मान करती है, तो इसीलिए इसकी सिस्टम से हम लोग आज आदिवासी थाना, अनुसूचित जाति जनजाति थाना हम लोग आए हैं। और मांग भी करना चाहते हैं कि जो पीड़ित को जो माफिया तत्व कर रहा पप्पू यादव, ऐसे लोगों को, उनको ST/SC एसोसिएटी एक्ट 1989 के तहत उनको मामला दर्ज होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आदिवासी का इतने ज़मीन लूटी जा रही है, प्रशासन सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? प्रशासन हो चाहे यहाँ की सरकार हो, ये तो प्रशासन भी कुछ ऐसा कुछ कदम उठा, शिथिल हो गया है ये आदिवासियों के प्रति। इसीलिए तो हम लोग आंदोलन करते हैं। हम तो मांग करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कि आदिवासी के जितने भी मामले आते हैं, ज़मीन के मामले को लेकर के एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए और टास्क फोर्स के साथ इसको अविलंब न्याय दिलाई जाए। तो आपने सुना कि आदिवासियों की ज़मीन बचाने को लेकर वो कितने तत्पर रहे हैं। रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, GN भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।